गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप लोग जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे साइंस में चैप्टर 12 का, उसमें आप लोगों का लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो चुके थे। उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप लोग का दो क्वेश्चन जो है वो रह गया था, 3 और 4। तो आज हम लोग 3 और 4 कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 13, एयर एंड वाटर, उसके बारे में हम लोग कुछ आज इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 जो है वो कर लेते हैं। इसमें अगर इस चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर में या कहीं पर भी इसमें आप लोग को दिक्कत आया हो तो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं।
तो ये चैप्टर 12 आपका आज कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं अपने बोर्ड पे, देखिए। सॉरी फर्स्ट नहीं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पुश एंड पुल टू अप्लाई फोर्स, यानी किसी चीज़ को खींचना धक्का देना, ये दोनों जब हम अप्लाई करते हैं यानी फोर्स अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना है, जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं और धक्का लगाते हैं तो देखिए आंसर क्या है, टू अप्लाई फोर्स टू किक द बॉल एंड मेक द बॉल मूव। जब हम लोग बॉल को किक करते हैं तो पैर को पीछे लेते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं उस बॉल को मारते हैं, है ना, और उससे बॉल क्या होता है, मूव होता है। तो किस पुश और पुल और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं क्या बताऊँ, हाँ, एक रबर बैंड, उसको हम लोग खींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्या हो गया, वो पुश और पुल दोनों उसमें आ गया। तो इस प्रकार से जो है, या फिर हम बॉल ही लेते हैं तो हम लोग पीछे की तरफ पहले खींचते हैं, है ना। देखिए जब हम लोग बल का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग गौर नहीं किए होंगे बस, बट इस बात पे आप लोग अगर ध्यान दें तो आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज़ पर को दूरी तक फेंकना है ना, जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल है ना, इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में बॉल है, अगर मैं इसको फेंकूँ तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे तो नहीं फेंकते ना, अगर इसको दूर हमें फेंकना हो तो हम लोग बॉल को लेते हैं फिर हाथ पीछे करते हैं एंड देन हम लोग आगे की तरफ फेंकते हैं। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि बल जब हम लोग लगाते हैं तो पहले खींचते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, इस टाइप से एग्जाम्पल देने थे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम लोग पहले खींचते ही हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग अगर बल देते हैं तो मान लीजिए एक गिलास पानी है या फिर बड़ा सा एक पत्थर है, उसको हम लोग उठाते हैं तो डायरेक्टली उठा लेते हैं, उसको खींचना और छोड़ना तो नहीं करते हैं, तो उसमें भी हमारा क्या होता है, बल का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट फोर्स कैन डू, हमें ऐसे 3 चीज़ों के नाम, 3 कार्य बताने हैं जो कि फोर्स कर सकता है, 3 कार्य बताने हैं जो कि फोर्स कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स से हम लोग बल से किसी चीज़ का आकार बदल सकते हैं, जैसे कि आपके बुक में बताया गया था क्ले के बारे में, अगर उसे हम लोग हाथ में डाले है ना और उसको जो आकार दे, हम लोग जैसे गीला मिट्टी लेते हैं हाथ में तो जैसा आकार देते हैं वैसा वो आकार बन जाता है। इट मीन्स कि हम लोग फोर्स से शेप भी चेंज करते हैं, आकार बदल सकते हैं। अब आपका दूसरा आया, द शेप हो गया, मूव एंड स्टॉप द मोशन, हम किसी वस्तु को मूव, जैसे कि मान लीजिए बॉल को किक किए तो एक जगह से दूसरे जगह गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो मूव किया, तो ये भी हम लोग फोर्स से कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप, अगर हम लोग के पास तेज गति से कोई चीज़ आ रहा है उसको हम लोग रोक भी सकते हैं, मान लीजिए इस तरफ से कुछ आ रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं, तो रोकेंगे तो नॉर्मली तो नहीं रोकेंगे ना, उसमें हम लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तब वो वस्तु रुक सकता है। तो 3 चीज़ें आप लोग को बता दी गई, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, तो इसको अच्छे से आप लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से आप लोग नोट कर ले, लाइन इधर उधर ना मिस हो, और अगर इसमें कहीं पे दिक्कत आप लोग को लगता है तो मैसेज करें, पूछे, बता दिया जाएगा।
देखिए कुछ हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे या फिर थोड़ी देर बाद करेंगे, पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं। तो देखिए एयर एंड वाटर क्या पढ़ेंगे हम लोग, एयर एंड वाटर। तो देखिए एयर और वाटर आप सब जानते हैं, हवा और पानी के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? एक मिनट लेना चाहूँगी इसको एडजस्ट करने में। तो हमारा चैप्टर जो है वो है यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्स, यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्स, पेज नंबर 109 यानी 109। तो इसमें आप लोग को बेसिकली जो पढ़ने हैं वो चैप्टर के नेम से ही आप लोग समझ सकते हैं, एयर एंड वाटर है। और टॉपिक्स जो है वो है एयर अराउंड अस, कंपोजिशन ऑफ एयर, व्हाट डज एयर कंटेन, वाटर, स्टेट ऑफ वाटर, वाटर साइकिल। तो ये जो कुल मिलाकर के हो गए 3 3 6 यानी 6 टॉपिक्स जो है आप लोग को इसमें पढ़ने हैं। तो आप लोग जो है कभी एयर देखे हैं या वाटर? तो एयर आप लोग नहीं देखे हैं, वाटर देखे हैं। देखिए हवा को हम लोग देखते नहीं हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, और देखते तभी हैं जब कोई चीज़ जो है हवा के द्वारा हिल रहा हो, जैसे पेड़ के पत्ते, कपड़े इत्यादि। यदि हमसे जैसे हमारे ऊपर अगर हवा है तो उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसका एहसास होता है, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं। धूल मिट्टी के साथ हम लोग देखते हैं, हवा के साथ धूल मिट्टी उड़ता है तो हमें पता चलता है कि ये हवा है। और जब पेड़ पौधे हिलते हैं, उसके पत्ते हिलते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं। या फिर अगर ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हो तो आप लोग इससे भी समझ सकते हैं कि हवा जो है हमारे आसपास मौजूद होता है, क्योंकि हम लोग जब ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो यानी हवा हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हवा है, हम उसे देखते नहीं हैं लेकिन फील करते हैं। वाटर आप लोग देखे होंगे, पानी। तो इसमें चैप्टर वही है, पढ़ना इसमें यही है। तो फर्स्ट टॉपिक है आज आपका एयर अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एयर है। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फील कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि हवा है। वी फील द एयर व्हेन इट ब्लोज, हम लोग हवा को तभी फील करते हैं जब वो क्या होता है, ब्लोज करता है तब। व्हेन द एयर ब्लोज वी कॉल इट विंड, और जब एयर जो है वो ब्लोज करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, यानी हवा कहते हैं। आंधी तूफान आप लोग देखे होंगे, उस प्रकार से हवा का तेज गति भी देखे होंगे, आंधी में उसका गति जो है वो बढ़ जाता है, उसकी अनेकों प्रकार की आवाज़ें आप लोग को आंधी में सुनाई देगी। तो ये हवा ही है। एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, एयर जो है वो जितने भी लिविंग थिंग्स है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एयर, ब्रीथिंग के लिए। वी ऑल लाइक द ब्रीथ फ्रेश एयर, और हम सभी को जो है फ्रेश एयर लेना पसंद होता है, गंदी हवा कोई नहीं लेना चाहता और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उसी से अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ती है। और हमें जो है इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि अपने घर के आसपास या घर में जो है वो कचरा नहीं बनाए। यानी कहने का मतलब है कि साफ सफाई बनाए रखें। यू शुड कीप द विंडोज एंड डोर्स ओपन टू लेट इन द फ्रेश एयर
प्लेइंग इन द फ्रेश एयर इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। देखिए, शुद्ध हवा साफ जगह में खेलना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, आप लोग फ्रेश एयर लेते हैं उस टाइम, तो गंदगी नहीं फैलती और बीमारियों से जो है हम लोग बचते हैं। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि विंडोज़ हो गए हमारे घर में, जो जितने भी डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उसको हम लोग ओपन रखते हैं, क्योंकि उससे जो है ताज़ी और शुद्ध हवा हमारे घर के अंदर प्रवेश कर सके। तो ये हमारे लिए काफ़ी जो है अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। तो ये हो गया एयर अराउंड अस। वैसे इस टॉपिक को हम लोग कल फिर से स्टार्ट करके ही पढ़ेंगे, शुरू से ही पढ़ेंगे। तो चैप्टर 13 जो है आप लोग का एयर और वाटर, उसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। लगभग आप लोग 109 पेज नंबर तो हो ही गया, लेकिन इसको भी रीड कीजिएगा, और कम से कम इसको 111 तक, यानी 3 पेज जो है आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो रीडिंग से क्या होगा, जितने भी वर्ड्स हैं इसके वर्ड मीनिंग्स मैं जो है देख चुकी हूँ, काफ़ी इजी है, और करवाना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि जितने भी वर्ड मीनिंग्स है वो काफ़ी नॉर्मल है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए इसका वर्ड मीनिंग मैं सोच रही हूँ कि नहीं करवाऊँ। अगर आप लोग को लगता है कि किसी वर्ड का मीनिंग आप लोग नहीं जानते हैं, तो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, एंड आप लोग अपना अटेंडेंस भी बना लें।